हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल देसी टिप्स हिंदी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिर हाजिर हुए हैं नए नुस्खे के साथ, जो कि यह नुस्खा आप अगर आपके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं तो इसको हम किस तरह से नेचुरल तरीके से इसको अच्छी तरह से बिल्कुल काले कर सकते हैं, ये उसके बारे में है। अगर आप अपने बाल को फिर से वापस नेचुरली तरीके से अगर काला करना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। मैं आज आपको मेहंदी के पत्ते और ये जो नारियल का तेल है उसकी मदद से हम किस तरह के अपने बालों को फिर से नेचुरल तरीके से काले करते हैं वो हमें आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों क्या होता है कि अगर आपके बाल सफ़ेद है तो आप किसी प्रकार के कलर का यूज़ करते हैं या फिर किसी प्रकार की डाई का यूज़ करते हैं, मगर वो तब तक ही रहते हैं जब तक आप लगभग डाई लगाएंगे तो एक महीने में फिर से आपके बाल वापस सफ़ेद होने लगेंगे और वो बहुत ज़्यादा हमारी बालों को बहुत ही नुकसान करता है। तो ये तरीका ऐसा है कि इससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपके बाल धीरे धीरे पहले जैसे काले भी होने लगेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है कि आपको जो मेहंदी के पत्ते हैं वो आपको लाने हैं इस तरह के, फिर आप उसको एक दिन सूखा देंगे तो मेहंदी के पत्ते इस तरह से पूरी तरह से सूख जाएंगे। सुखाने के बाद आपको एक बर्तन में नारियल का तेल डालना है, वो आप मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि किस तरह से और क्या करना है। उसमें से लगभग आपको 100 ग्राम नारियल का तेल है वो इसमें डालना है। अगर आप ज़्यादा दिनों तक इसे यूज़ करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी हमें 100 ग्राम अगर आप नारियल का तेल बर्तन में डालते हैं तो 30 ग्राम मेहंदी के पत्तों का यूज़ करना है। इस तरह से आप जितना चाहे उतना ये तेल बना सकते हैं। ये एक तरह का डाई ही बनेगा मगर ये 100% नेचुरली होगा और आपकी सेहत को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो आप इस तरह से तेल में यानी कि कोपरेल के तेल में कुछ मेहंदी के पत्ते डालना है, फिर इसको हमें गर्म करना है। गर्म करते वक्त थोड़ा धुआं उठेगा और 10-15 मिनट बाद जब आप गर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये हो जाएगा। तब आपको इजीली गैस बंद कर देना है और इसको अलग से कोई दूसरे बर्तन में छान लेना है। तो अब आइए देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो दोस्तों जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब इसको अब हम छान लेंगे। ये हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो अब किसी बर्तन में इसको इस तरह से हमें अच्छी तरह से छान लेना है। ये दोस्तों मैंने आपको दिखाने के लिए बस थोड़ा सा ही इसको बनाया है। नारियल का तेल आप देखेंगे तो बिल्कुल ही इस तरह से देखिए काला होता जाएगा। तो आपको ये तेल को फ्रेंड्स रोज अपने माथे में जैसे आप नॉर्मल तेल यूज़ करते हैं उसी तरह से अपने हाथों से फ्रेंड्स बालों में लगाना है। आपको इस तरह से लेके इस तरह से आपको अच्छी तरह से पूरे मालिश करनी है आपके सिर में। देखिए दोस्तों आप इस तरह से अच्छी तरह से, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ धुआं भी उठ सकता है मगर आप घबराइए मत। तेल जब बिल्कुल काला हो जाए यानी कि मेहंदी के पत्ते आप ये देख सकते हैं पूरी तरह से ब्लैक हो गए हैं। लगभग आपको इसको 10 मिनट तक यूं ही गर्म करना है। इसके बाद जो ये तेल निकलता है उसको आपको छान लेना है और ये तेल को आपको एक बोतल में भर देना है जिसमें पूरी तरह से हवा ना लगे, उस तरह से आपको इसको पैक करके रोज रेगुलरली आपको यूज़ करना है। लगभग आप इसको एक महीना यूज़ करेंगे तो आपके बाल धीरे धीरे काले होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का नुस्खा। अगर ये नुस्खा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।